से एक न्यू अपडेट लेकर आए हूँ, जिससे कि एक जो कि प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी भाइयों का, जो एक जो कि कमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम मैच ऑन करते हैं। जैसे मैच ऑन करने के दौरान क्या होता है कि हमारे जो फॉल हुए लैंडिंग करने का, वो किसी फ्रेंड या रैंडम फ्रेंड है उनके साथ लग जाते हैं, ठीक है। या इस तरह भी हो जाते हैं कभी कभार, हम जैसे खुद टिक मार करते हैं कि वहाँ उतरेंगे और थोड़ी देर के बाद हमें पता नहीं चलते हैं, मैप देख रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यानी कि फॉलो का, तो हमारे जो करेक्टर है खुद ब खुद ही उनको फॉलो करते हैं। तो ये सेटिंग आप कर ले, उसके बाद अगर आप चाहे तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं होगा आपका जो कि करेक्टर। तो इन गाइज अपनी मर्ज़ी से आप लैंड कर सकते हो, अगर आप फॉलो करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट जैसे हो जितने बार आपको करे, लेकिन आप जैसे सेट करोगे तो उसको फॉलो होगा मैच के दौरान, तो वरना नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेटिंग है जो कि डिफ़ॉल्ट पैराशूट अलाउ। तो वहाँ पर जैसे मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो कि कंट्रोल, कंट्रोल के बाद वहाँ पर एडवांस कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने इसका यूज़ करना है, ये देखिए वहाँ पे, ठीक है। मेरे पास है लेकिन मैं डिसेबल रखा हूँ, तो आप इनेबल रख सकते हो। अब डिसेबल, तो डिसेबल रखने से बेहतर ये कि इस तरह भी कभी कभार होता है कि हम जैसे हमें पता नहीं चलते मैच के दौरान हमारे जो टीम मेट है अपना बंदे हों तो उनके साथ खेल रहे, वो फॉलो नहीं है तो वो चले जाते हैं, हम फिर से उतरना पड़ता है। तो ये जो एक तरफ से फ़ायदा भी है, सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इन्हीं पर रखोगे तो आपका जो कि करेक्टर है ख़ुद ब खुद किसी को फॉलो करेगा, या आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो जो कि खुद ब खुद ही फॉलो होगा। अगर आप इसे डिसेबल रखोगे तो किसी को फॉलो नहीं करेगा, तब तक आप फॉलो करोगे तो इस तरह यानी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।